नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। मध्य प्रदेश के कई जिलों में महुआ बहुतायात मात्रा में मिलते हैं। महुआ का इस्तेमाल कई दवाइयां बनाने के लिए भी होता है, जबकि इससे कई तरह के डिश भी बनाए जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में मिलने वाले महुए की डिमांड देश भर में होती है, लेकिन अब इसकी डिमांड विदेशों से भी होने लगी है, इसलिए मध्य प्रदेश का महुआ विदेशों में भी सप्लाई किया जाएगा। 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी। अब इस ब्लैक होल के मूल डेटा को रिप्रोसेस करने और तस्वीर का बेहतर वर्जन बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। अब तस्वीर पहले से ज्यादा साफ है और ब्लैक होल के बारे में ज्यादा जानकारी देती है। बता दें कि इस तस्वीर को 10 अप्रैल 2019 को इवेंट हेराजाइन टेलीस्कोप नाम के एक एस्ट्रोनॉमी स्क्वाड ने रिलीज किया था। जब भी किसी बैंक के फेल होने की आशंका होती है, तब तब आरबीआई समय रहते ही सख्त कदम उठा लेता है, जैसा कि यस बैंक या अन्य सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए के मामले में किया गया था। रिजर्व बैंक ने देश के 3 ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की है जो कभी फेल नहीं हो सकते। रिजर्व बैंक का कहना है कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक घरेलू व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बैंक है। सूची में निजी क्षेत्र के 2 बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गेहूं खरीद नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है। इस बार सरकार ने गेहूं खरीद के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। खास बात यह है कि इस रबी सीजन के लिए योगी सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का टारगेट सेट किया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 6 दशक से ज्यादा पुराने नियमों के संशोधन का फैसला लिया। इसके साथ ही अब शीर्ष न्यायालय में जमादार के पद पर तैनात कर्मचारियों को सुपरवाइजर कहा जाएगा। खास बात यह है कि नए नियम फर्श और सफाई करने वाले श्रेणी के पदों पर लागू होंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी और स्कूली बच्चों में कोई अंतर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी स्कूल बच्चों की तरह है, जिनकी नजर हमेशा सरकारी छुट्टियों और काम से छूट की ओर रहती है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने ये टिप्पणी अम्बेडकर जयंती को लेकर घोषित राष्ट्रीय अवकाश से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नितिन गडकरी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क हमारे लिए एक सपना था और यह सपना 2024 की शुरुआत तक सच हो जाएगा। गडकरी ने कहा है कि इससे एक नई सड़क के निर्माण से दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी बेहद कम हो जाएगी। परियोजनाओं के पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी 4 गुना बढ़ जाएगी। कोरोना को लेकर पहली बार बच्चों और वयस्कों के बीच तुलनात्मक अध्ययन सामने आया है। इसके अनुसार कोरोना के बाद बच्चों में वयस्कों में 2 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बन रही है। वायरस में भले ही अलग अलग म्यूटेशन की जानकारी मिल रही हो, लेकिन बीते 2 वर्षों के दौरान शोधार्थियों ने इनका बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई खास असर दर्ज नहीं किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2023 में घटकर 29 महीने के निचले स्तर 1.34% पर आ गई है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। थोक मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं और ईंधन के दामों में कमी के चलते हुई है। हालांकि इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई भी बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हुए। उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस के पदाधिकारियों को 10 मई के चुनाव से पहले गुटबाजी को बढ़ावा नहीं देने का स्पष्ट निर्देश दिया है। दरअसल रविवार को खड़गे ने कहा था कि मुझे परवाह नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, मैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों से परेशान नहीं हूं। हमारा प्राथमिक लक्ष्य पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है। सलमान खान अपनी पूरी स्टार कास्ट के साथ द कपिल शर्मा शो में किसी का भाई किसी का जान का प्रमोशन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साफ लफ्जों में शहनाज के फैंस को कहा है कि वो उन्हें बार बार सिद्धार्थ का नाम याद दिलाकर परेशान नहीं करे। शहनाज भी सलमान खान से सहमत नजर आई। देसी नई दुनिया की नामी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस के शेयरों में गिरावट की वजह से देश का सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के साथ इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी फैमिली को कुछ ही सेकेंड में मोटा नुकसान हो चुका है। नारायण मूर्ति और उनके परिवार से ज्यादा एलआईसी के पास इंफोसिस का स्टेक है। इंफोसिस के खराब आय आंकड़ों की वजह से आज कंपनी के शेयरों में 10% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। नोएडा शहर आज अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दौरान शहर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए बदलाव का साक्षी भी रहा है। निजी अस्पतालों के आगमन से सुपर स्पेशलिटी सेवा समेत किडनी ट्रांसप्लांट, जटिल सर्जरी व कैंसर का इलाज भी होने लगा है। बता दें कि नोएडा शहर अंग प्रत्यारोपण के लिए देश के साथ साथ विदेश में रहने वाले लोगों की भी पहली पसंद बना है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से इस बार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अकेले राजस्थान में 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक रकबे में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। वही बारिश के चलते गेहूं की क्वालिटी पर भी असर पड़ा है। इससे गेहूं के दाने टूट गए हैं और चमक भी कम हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए गेहूं खरीद के लिए नियमों में ढील भी दे दी है। खास बात यह है कि 6% अगर गेहूं के दाने टूटे हुए होंगे तो भी एमएसपी में कोई कटौती नहीं होगी। अगर गेहूं की क्वालिटी 18% तक खराब रहती है तो भी गेहूं की खरीद की जाएगी।
भारत सरकार अपनी सेनाओं के लिए बेहद ताकतवर रॉकेट फोर्स बनाने जा रही है। इसमें शामिल होने वाले सबसे नई और घातक मिसाइल प्रलय है। फोर्स के लिए 250 से भी ज्यादा प्रलय मिसाइलों की खरीद की अनुमति दे दी गई है। इसमें 7,500 करोड़ रुपए लगेंगे। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए प्रलय मिसाइल की एक यूनिट को क्लियरेंस दे दी थी। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को हराने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया और कहा कि एक विकल्प अपने आप सामने आएगा। यहां महाविकास अघाड़ी के संयुक्त वज्र मठ रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इसकी सत्ता की लत देश को नष्ट कर रही है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने के मुद्दे पर विभिन्न आवेदनों पर उच्चतम न्यायालय 18 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। इससे दो दिन पहले इस मामले की जांच करने के शीर्ष अदालत के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र ने पूछा कि क्या संवैधानिक अदालत ऐसे दो लोगों के बीच एक अलग सामाजिक वैवाहिक संस्थान के निर्माण के लिए कानून बना सकती है जिसका मौजूदा कानून में कोई जगह नहीं है। केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को समलैंगिक विवाह अधिकारों की मांग करना सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए एक शहरी अभिजात्य दृष्टिकोण है और इसे मान्यता देने का मतलब है कानून की एक पूरी शाखा को दोबारा लिखना होगा। यूपी के प्रयागराज में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सांसद वरुण गांधी ने बड़ा बयान दिया है। वरुण गांधी हिंदू मुस्लिम राजनीति पर भी अहम बात कही है। वरुण गांधी ने कहा है कि देश तभी मजबूत होगा जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद होगी। हिंदू मुसलमान मजबूत होगा। मैं एक हिंदू हूँ, मैं वो आम आदमी नहीं हूँ कि वोट के लिए टोपी पहने और मजार पर जाए, लेकिन मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि आज एक समाज को डराया जा रहा है। यह देश के लिए ठीक नहीं है। कोई क्रिमिनल अतीक अहमद की बात नहीं है, मैं आम आदमी समाज की बात कर रहा हूँ। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आने जाने का क्रम बढ़ गया है। अप्रैल की 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आए थे। वही अप्रैल महीने की दूसरी बार पीएम फिर एमपी आने वाले हैं। वे 24 अप्रैल को रीवा में होने वाले आयोजित पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा जारी की जिसमें यूजर एंड्रॉइड पर फॉरवर्ड तस्वीरों और वीडियो GIF और दस्तावेजों में विवरण जोड़ सकते हैं जो इस समय कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। एक साइट के मुताबिक यह फीचर तब काम आ सकता है जब मौजूदा कैप्शन इमेज का सही वर्णन नहीं करता है या फिर अगर आप कोई अलग डिस्क्रिप्शन जोड़ना चाहते हैं। मौजूदा कैप्शन को हटाकर इसे अपने कैप्शन से बदलकर नया विवरण एक अलग संदेश के रूप में भेजा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्राप्तकर्ताओं को पता है कि यह मूल संदेश से संबंधित नहीं है। प्रशांत महासागर के तल में वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज मिली है जिससे धरती पर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसे लेकर खुद वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं। उनका दावा है कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा है। यदि यही हालात रहे तो धरती पर जीवन संकट में पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के डराने वाली यह सबूत प्रशांत महासागर में उस स्थान पर मिले हैं जिसे फ्लॉट लाइन के नाम से जाना जाता है। खास बात यह कि फ्लॉट लाइन कैस्केडिया सब डिस्कन जोन में है जो कनाडा के पश्चिमी तट यानी वैंकूवर से कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने की सुविधा दे रही है ताकि किसान सौर ऊर्जा का उपयोग कर कम खर्चे में ही बेहतर फसल उगा सके। इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाने में सरकार की ओर से मदद मिलती है। इस योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90% तक का सब्सिडी भी दिया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ईंधन के नए अवसर तलाश रहा है। मंत्रालय की ओर से कई राज्यों में कंप्रेस्ड बायोगैस लगाने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक बयान में कहा है कि जैव ईंधन के क्षेत्र में 2030 तक 20% की ग्रोथ का लक्ष्य भी रखा गया है लेकिन इसे घटाकर अभी 2025 तक कर दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा फिलहाल टल गई है। बताया जा रहा है कि यह यात्रा कम से कम अगले महीने तक के लिए स्थगित हुई है। पहले चर्चा हुई थी कि यह यात्रा इसी महीने होगी। अखबार काठमांडू पोस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि भारत ने अब दहल की 2 दिन की यात्रा की नई संभावित तारीख नेपाल को बताई है लेकिन जब तक यात्रा को ठोस एजेंडा तय नहीं हो जाता दोनों पक्ष इस तारीख की घोषणा न करते हुए सहमत हुए हैं। टाटा ग्रुप, रिलायंस, अडानी ग्रुप, इंफोसिस, SBI, HDFC बैंक के ऐसी कंपनियां और संस्थान है जिन्होंने आम निवेशकों को शेयर बाजार में मोटी कमाई करवाई है। उसके बाद भी इसके शेयर होल्डर्स की संख्या काफी कम है। इन मोटी कंपनियों को पछाड़ने वाला कोई नहीं बल्कि कुछ साल पहले अर्श से फर्श पर आने वाला यस बैंक ही है जिसे अगर SBI ना संभालता तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो शेयर होल्डर्स की संख्या के लिहाज से यस बैंक इकलौता ऐसा संस्थान है जिसके बाद 50 लाख उससे ज्यादा निवेशक है। यस बैंक के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के सामने कोई भी नहीं है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 4 दिवसीय दौरे पर शिमला आ रही है। राष्ट्रपति के आगमन पर शिमला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिमला दौरे के दौरान राष्ट्रपति HPO के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा पर्यटकों और आम जनता को भी एक विशेष सौगात देंगी।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिलने के बाद भी सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को मंगलवार को तलब किया है। उन्हें मंगलवार को सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत दी है, इसलिए प्राप्त जानकारी के अनुसार वह सीबीआई के नोटिस के खिलाफ अवमानना का मामला कोर्ट में दायर करेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते ही बीजेपी पर करारा पलटवार भी किया है और कहा है कि कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जगदीश शेट्टार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पर बहुत कम लोगों का ही नियंत्रण है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने हाल ही में अपने किताबों में बदलाव किए हैं। इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे, हिंदू अतिवादियों की भूमिका और 2002 के गुजरात दंगों जैसे टॉपिक्स को स्कूल की किताबों से बाहर कर दिया गया है। वही एनसीईआरटी ने कहा है कि किताबों में हुए मामूली बदलावों को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे हमेशा ही होते रहते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी जी अपने भाषणों में चालाकियां करते उन्हें मैं बखूबी समझता हूं। गहलोत जयपुर के राजस्थान कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविवार को बोले कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में इस्तेमाल हुई चालबाजी को समझता हूं। गहलोत ने कहा कि पहले वो मेरा मित्र अशोक गहलोत से भाषण की शुरुआत करेंगे और फिर मेरी सरकार की कड़ी आलोचना करेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, संजय चौधरी, नन्नू गोलू कुमार, एमडी साकिर हुसैन, अंशुप्रिया, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और आर के। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सोशल मीडिया हमारे आम जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।